नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज, एमके टेक्निकल में आपका स्वागत है। आज हम लोग रेली पे का रिटेलर आईडी का पासवर्ड फॉरगेट करके आप वीडियो के माध्यम से सीखेंगे कि आप रेली पे का जो रिटेलर आईडी है उसका पासवर्ड कैसे फॉरगेट कीजिएगा, उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, आप सीख जाइएगा कि आप रेली पे रिटेलर आईडी का पासवर्ड कैसे चेंज करना है। तो चलिए सबसे पहले हम रिटेलर आईडी डालते हैं। रिटेलर आईडी में आपको R00 वाला आईडी डालना है, R00A909088। ये रिटेलर आईडी हम डाल लिए अपना। अब फॉरगेट पासवर्ड पर टिक लगाना है। फॉरगेट पासवर्ड पर टिक लगाने के बाद आपको फिर से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना है, जो जिस मोबाइल नंबर से आप रिटेलर आईडी बनाए हैं, क्रिएट किए हैं, उस नंबर को यहाँ पर डालना है। नंबर डालने के बाद आपको पैन कार्ड का नंबर डालना है, पैन कार्ड भी आपको साथ में रखना है। पैन कार्ड का नंबर डालने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है। तो आप इस तरह से सफलतापूर्वक अपना रिटेलर आईडी का पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। तो चलिए हम पासवर्ड भी चेंज करके आपको पूरा प्रोसेस दिखाते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा कि RNFI का रिटेलर आईडी का पासवर्ड आपको कैसे चेंज करना है। और अगर आपके पास रेली पे का आईडी नहीं है, RNFI का आईडी नहीं है, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट करके व्हाट्सएप करके रिटेलर आईडी ले सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर आईडी ले सकते हैं, देन आप अपना वर्क कर सकते हैं। बहुत स्मूथ चलता है रिटेलर आईडी। आपके पास अगर दूसरा आईडी है तो एक बार रिटेल RNFI का भी आईडी लेके आप चलाइए, इसमें 99% ट्रांजैक्शन सक्सेस होता है। तो हम सबमिट करते हैं। अब पैन कार्ड नंबर डालने के बाद, हम सबमिट पे टिक लगाने के बाद हम प्रोसेस आगे बढ़ाते हैं। तो आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। न्यू रिटेलर को दिक्कत होता है कि आप कैसे पासवर्ड चेंज करेंगे। तो चलिए सबमिट किए। सबमिट करने के बाद इस तरह का मैसेज दिखेगा आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे। फिर से SMS गया, पासवर्ड गया, जो कि कुछ कैपिटल कुछ स्मॉल रहता है। आपको जैसे जो है, कैपिटल है तो कैपिटल डालना है, स्मॉल है तो स्मॉल डालना है, अक्षर है तो अक्षर डालना है। सेम उसी तरह से जैसे आपके मैसेज पे गया, तो उस तरह से हम पासवर्ड फिर अपना SMS देख करके हम अपना यहाँ पे टाइप करेंगे। टाइप करने के बाद हम लॉग इन पर क्लिक करेंगे। तो जैसे हम डाल रहे हैं अभी, Z कैपिटल है, इसके बाद J कैपिटल है, फिर जो भी अक्षर मिलता है, जो भी अल्फ़ाबेट जिस तरह का है, उस तरह से डालने के बाद लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपको न्यू पासवर्ड बनाने का ऑप्शन आएगा। सेम फिर उसको कन्फर्म न्यू पासवर्ड डालना है, अगेन डालना है, और इसके बाद सबमिट पे क्लिक करना है। देन हम अपना न्यू पासवर्ड बना रहे हैं। पासवर्ड में हम अपना न्यू पासवर्ड डालें। डालने के बाद फिर कन्फर्म सेम पासवर्ड डालेंगे। डालने के बाद हम सबमिट पे टिक लगाएंगे। तो आप इस तरह से सफलतापूर्वक अपना रिटेलर आईडी का पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। तो देन मेरा पासवर्ड क्रिएट हो गया। अब हम अगेन न्यू पासवर्ड डाल के हम आईडी को लॉगिन कर लेते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे नए टॉपिक पे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।